गए नीरसता से, कलयुग से, क्योंकि कृपा हो गई राधा रानी की। नहीं तो अगर गोलोकेश्वरी ना कर देती तो सोचिए क्या होता, न होता ये बरसाना, न होता वृंदावन, न होता गोवर्धन, न होता आज की राधा जन्मलीला। परंतु श्री कृष्ण ने इतनी चतुराई से राधा रानी की प्रशंसा किया कि उनका प्रस्ताव अस्वीकार नहीं कर सकी और उन्होंने स्वीकृति दे दिया। अगर हम ध्यान से सोचें तो इस गोलोक लीला में श्री कृष्ण को न केवल अपनी राधा रानी के प्रति व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त किया है, किंतु एक साधक के लिए प्रार्थना करने की एक मानक विधि भी सिखाई। अगर आपको याद हो तो इस गोलोक लीला में श्री ठाकुर जी ने राधा रानी से अपनी याचना करने से पहले उनकी मधुर कंठ से खूब प्रशंसा किया। हम सबको भी भगवान या उनके भक्तों से कृपा के लिए उनकी प्रार्थना का आरंभ उनकी प्रशंसा एवं गुणगान से ही करना चाहिए, तब हमारी पुकार अवश्य स्वीकार होगी। जैसे कि श्री कृष्ण की हुई प्रभु को अपनी प्रेमी आत्माओं से ब्रज में मिलने का अवसर मिला, क्योंकि प्रभु भी प्रेम के तो प्यासे हैं। असल में भगवान की कल्पना अधिकतर एक ऐसे न्यायाधीश के रूप में की जाती है जो धर्मनिष्ठ को पुरस्कृत एवं अधर्मी को दंडित करते हैं। यदि भगवान को अनंत काल तक केवल यही करते रहना है तो उनका जीवन अत्यंत नीरस एवं ऊब से भरा हो जाएगा। यही गोलोक में श्री कृष्ण ने राधा रानी को समझाया। श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ में यही स्पष्ट करते हैं, न्यायाधीश होना भगवान के असंख्य पहलुओं में से एक अत्यंत साधारण पहलू है। इसीलिए श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहा गया है, दूरे सृष्टि आदि वार्ता न कलति मनांग नारदादीन स्वभक्तान, श्री रामाध्यायी सुहृद्भिर् न मिलती हरति स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो, किंतु प्रेमैक सीमां मधुर रस सुधा सिंधु सारैर अगाधाम, श्री राधामेव जानन मधुपति रनिशम कुंज वीथिम उपास्ते। अर्थात रसिकों ने लिखा कि भगवान सृष्टि की सारी कथाओं को दूर रखते हैं और जितनी सृष्टि चर्या है वो वहाँ नहीं आ पाती है, केवल श्री राधा रानी के प्रेम में ही आस्वादन करने के लिए, रसस्राव के लिए वे निकुंज में जाते हैं। तो ये श्री कृष्ण का अपने भक्तों के साथ अपने धाम में अनंत चिरस्थाई प्रेम से भरा एक अपना यही जीवन है। वहाँ वे भगवान होने का प्रदर्शन करने में नहीं वरन अपने भक्तों के साथ प्रेम संबंधों में आनंदित होते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण की लीलाएं एक नाटक की तरह प्रतीत होती हैं, वे वास्तविक हैं। ये लीलाएं सर्वोच्च सच्चाई हैं। भगवान एवं उनके भक्तों के मध्य असीम घनिष्ठ प्रेम की सच्चाई कृष्ण लीला के वास्तविक नाटक में योग माया निर्देशक हैं। श्री कृष्ण नायक हैं, किंतु महत्वपूर्ण घुमाव यह है कि श्री कृष्ण इन लीलाओं के पट कथाकार भी हैं एवं योग माया भी श्री कृष्ण का निर्देशन स्वयं उन्हीं की पट कथा के अनुसार करती है, उनकी अनुमति से करती है। यूं तो अपनी लीला में कृष्ण एक ही समय में एक पट कथाकार के रूप में पूर्ण नियंत्रण में हैं एवं साथ ही साथ एक ऐसे कुशल अभिनेता के रूप में नियंत्रण में नहीं भी हैं, जो दक्षता से
अपना पात्र अदा करते समय स्वयं को भूल जाते हैं। समय, काल और परिस्थिति, सृष्टि की हर घटना इन तीनों के अधीन है, इनके इशारों पर चलती है। परंतु विधाता की कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जिनकी प्रतीक्षा स्वयं समय, काल और परिस्थिति भी करते हैं। मानो इन लीलाओं के कारण ही सृष्टि की रचना हुई थी। इन्हीं परम दिव्य लीलाओं में से सबसे मनोहर रसमय लीला आज इस पावन भूमि पर पुनः जागृत होने वाली है। जय श्री राधे। माधव भामिनी जय जय राधे, माधव भामिनी जय जय राधे, जय पावन रस धामिनी राधे, जय पावन रस धामिनी राधे, माधव भामिनी जय जय राधे। हे परमेश्वर, मेरी अधीरता का बांध टूट रहा है, न जाने अभी तक कोई समाचार क्यों नहीं आया, क्या करूं मैं? महाराज वृषभानु की जय हो। कौन? आइए महामंत्री जी। महाराज सब कुशल तो है, आप कुछ व्याकुल लग रहे हैं। व्याकुल ना हूं तो क्या करूं, आज इतने दिनों बाद वह क्षण आया है जब पुनः इस महल में एक नन्हे शिशु की किलकारी गूंजेगी। परंतु महारानी के कक्ष से न कोई संदेश, न कोई चिन्ह, न जाने इतना विलंब क्यों। आप थोड़ा धैर्य रखिए, संदेश आता ही होगा। धैर्य कैसे रखूं? एक व्याकुल पिता की दशा आप नहीं समझ सकते। आपकी यह दशा मैं कई दिनों से देख रहा हूं, यही कारण है महाराज मैं राज ज्योतिषी जी को अपने साथ लाया हूं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। महामंत्री जी, आज उनसे मिलना मेरे लिए संभव नहीं होगा। आप तो मेरा हाल देख रहे हैं, मेरा तन मन सब अपने आने वाली संतान की प्रतीक्षा में अधीर हो रहा है। महाराज ये उसी संतान के बारे में आपको कुछ बताने आए हैं। मेरी संतान के बारे में? तो शीघ्र ही बुलाओ उन्हें। आइए राज ज्योतिषी जी, क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी की जय हो। राज ज्योतिष का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। ये देखिए महाराज, यह है ज्योतिष पंचांग। आज बड़ा ही विलक्षण व असाधारण ग्रह योग है। इसके अनुसार आज शुभ भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र प्रीति योग और लग्न धनु है महाराज। अर्थात आज नक्षत्रों एवं ग्रहों की ऐसी स्थिति है जिसमें अवश्य कोई अत्यंत अद्भुत एवं सुंदर तेजस्वी शक्ति का उदय पृथ्वी पर होने की प्रबल संभावना है महाराज। एक और विशेष बात, ये कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि ऐसी दिव्य विभूति है जिसके प्रकट होने की प्रतीक्षा यहाँ पृथ्वी से लेकर गोलोक धाम तक हो रही है। राज ज्योतिषी जी, इतने बड़े विश्व में आज न जाने कितने बच्चों का जन्म हो रहा होगा, इससे मेरी संतान का क्या संबंध? महाराज यही तो बात मैं बताने आया हूं। विशेष बात यह है कि सारे चिन्ह ब्रज की ओर संकेत कर रहे हैं, और तो और महारानी कीर्ति और आपकी कुंडली में भी यही संकेत हो रहा है। दिन का प्रथम प्रहर सूर्योदय संसार में वृष रूपी धर्म के भानु सूर्य से वृषभानु कांता के द्वारा प्रेम रूपी सूर्य का उदय होना निश्चित है। इस पावन वेला का फल अनंत विश्व पर बहुत सुंदर पड़ेगा, सारे विश्व में प्रेम का संवर्धन होगा, और महाराज मेरा ये कथन अमोघ और अकाट्य है। महाराज पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु राज ज्योतिषी जी के बार बार अध्ययन करने के पश्चात हर बार यही निष्कर्ष निकला, तो मैंने सोचा आपको ये शुभ समाचार दे दूं। प्रभु करे आपका कथन सत्य हो, मेरी तो बस एक ही मनोकामना है, मेरी पत्नी रानी कीर्ति की गोद एक सुंदर संतान से भर जाए। महाराज आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी,
ज्योतिष शास्त्र गणित के अनुसार एक और संकेत मिल रहा है। यह अवश्य एक कन्या होगी जिसकी सुंदरता लक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती से बढ़कर होगी। और सबसे विशेष बात, 14 लोकों का नायक ही इनका पति बनेगा। प्रभु करें आपकी भविष्यवाणी सत्य हो। हमारा कथन कभी भी असत्य नहीं जाता है। महाराज, एक और विशेष बात हम आपको यहां कहना चाहते हैं। इस दिव्य शक्ति की कुंडली में उच्च का शनि, उच्च का बुध, अत्यंत प्रबल लग्नेश व कई अद्भुत राजयोग हैं जो अति दुर्लभ हैं। महाराज ही बोलती रहेगी या आगे भी कुछ कहेगी? महाराज, महाराज की जय हो। महारानी जी ने लाली को जन्म दिया है। हे वैकुंठनाथ, आपकी बड़ी कृपा है। कात्यायनी देवी का वरदान सत्य हुआ। हम तीर्थ जो के कन्या भई, जय जय।